हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल कुमार मिश्रा। वेलकम टू विजन बैंकिंग यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो कैसे आप लोग सभी के सभी, होप्सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो सेशन आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रिलेटेड। आप सभी को पता है कि बैंकिंग एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे आप क्लरिकल एग्जाम की बात करो, चाहे आप पीओ एग्जाम की बात करो, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की बात करो, या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी के प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करो, तो कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। यहां से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इन 5 क्वेश्चन को आप लेस देन 60 सेकेंड बना पाओगे। 60 सेकंड से कम के अंदर आप 5 क्वेश्चन बना पाओगे। तो अगर एग्जाम की बात करूं पीओ प्रीलिम्स या क्लेरिकल प्रीलिम्स की, तो आपके पैटर्न क्या होता है कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब मान लो कि आपने एग्जाम स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन चूज किया क्वाड्रेटिक का, पहले 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आप 5 क्वेश्चन बना पा रहे हो, तो अगले 19 मिनट में आपके पास बनाने के लिए कितने क्वेश्चन बचते हैं? 30। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है आपका, वो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं, और यहां पे गलती होने के चांसेस ना के बराबर है बिल्कुल। तो मैं पूरे की पूरी पैटर्न डिस्कस करूंगा और आपको एक श्योरिटी देके जाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो, टिल द एंड आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आज के बाद आप भी 60 सेकंड के अंदर अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को, चाहे आप मॉक में बैठे हो चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, उड़ा रहे होगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को देख लेते हैं कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चन का, फिर डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जब आप देखोगे एग्जाम में, तो आपको दो फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आज से 3-4 साल पहले ज्यादा पूछे जाते थे, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूं तो एक क्वेश्चन, इसके एक क्वेश्चन आने के चांसेस 5-10% है। लेकिन सीखना हमें है कि पैटर्न क्या, अगर गलती से आपके शिफ्ट में आ गया, इसके कुछ मॉडरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो आपके शिफ्ट में आ गए तो आप कैसे उसको डायरेक्ट बना सकते हो, उन सारी चीजों को मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूंगा। और नेक्स्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जो फॉर्मेट आते हैं, आपके रूट वाले आते हैं, डायरेक्ट मेथड आते हैं, साइन मेथड आते हैं, जो बड़े नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कैसे करना है, यूनिट डिजिट फैक्टराइजेशन कैसे करना है, इन सारी चीजों को इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैंने आपको बताया अगर आप इस वीडियो को टिल एंड देख रहे हो, तो इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीजें आपकी यहां पे आज सॉल्व हो रही होंगी, आपके जितने भी प्रॉब्लम है यहां पे डिस्कस किए जा रहे होंगे। तो चैनल से जरूर बने रहिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना सेशन को अगर पसंद आया आपको इस वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब आप फैक्टराइजेशन कर भी लेते हो ना, उसके बाद आते हैं कंपेयरिंग, कि कंपेयर आप कैसे करते हो। और इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स बनाने के बाद भी, फैक्टर निकालने के बाद भी गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे पहले कंपेयरिंग वाले पार्ट को देखते हैं कि कंपेयर कैसे करते हैं। आपके पास जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं, उन सारी चीजों को करते हैं, फिर क्वेश्चन पे एक एक करके अपन शिफ्ट करेंगे। देखो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन होता है, यह एक ऑप्शन होता है एक्स ग्रेटर देन वाई, दूसरा होता है एक्स लेस देन वाई, मतलब एक्स हमेशा वाई से छोटा है, एक ऑप्शन होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, चौथा ऑप्शन होता है एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई, और एक पांचवा ऑप्शन होता है आपका एक्स इक्वल्स टू वाई और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये चीजें कैसे कैसे शिफ्ट होती, कैसे कैसे हमें कंपेयर करना है, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दो। देखो जब भी आपको कंपेयर करना होता है ना, आपको x की हर एक वैल्यू को y की हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करना होगा, आपको x की दूसरी वैल्यू को भी y की हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे x कितना है 2, अगर मैं 2 को 4 के साथ कंपेयर करूं, आपने क्या देखा कि x लेस देन है। मैं 2 को फिर, पहले मैंने 2 को 4 के साथ कंपेयर किया, अब मैं 2 को 6 के साथ भी कंपेयर करूंगा, फिर 2 भी 6 से छोटा है, छोटी वैल्यू है। फिर आपने 2 का कंपैरिजन कर लिया, अब 3 का कंपैरिजन करो 4 के साथ, ऑब्वियसली बात है 3 छोटा है तो x छोटा है। 3 का कंपैरिजन 6 के साथ करूंगा, अगेन x छोटा है, x छोटा है। अगर सारी की सारी वैल्यू एक ही डायरेक्शन में दिख रही हो, सारा का सारा आपको लेस दिख रहा है ना, मतलब अगर x सारे में लेस है, तो योर आंसर विल बी x लेस देन y। अगर यही चीजें उल्टा हो जाती, अगर मैं y के रीजन में कंपैरिजन करूं, देखो y 4-2 से बड़ा है, 4-3 से छोटा है, 6-2 से बड़ा है, 6-3 से छोटा है, तो यहां पे अगर x और y की कंपैरिजन हुआ तो x इज लेस देन y, अगर मैं y से x का कंपैरिजन करूं तो y इज ग्रेटर देन x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन तो समझ गए होगे। अब अगर इसी को मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, अगर मैं 4 के जगह पे 3 भी कर दूं, एक 3 यहां पे और डाल देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा,
टू का थ्री से कंपैरिजन किया, आपने बोला टू छोटी वैल्यू है। टू का सिक्स से कंपैरिजन किया, आपने बोला टू छोटी वैल्यू है। थ्री का थ्री के साथ कंपैरिजन किया, आपने बोला इक्वल्स टू है। थ्री का सिक्स के साथ कंपैरिजन किया, आपने बोला लेस देन है। तो यहां पे आपका आंसर क्या बन के जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। इज इट क्लियर? लेस देन वाला भी इसी तरीके से ग्रेटर देन वाले में होगा, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं वाई को तीन को देखूं दो से, आपने बोला तीन दो से बड़ी है, तीन तीन के बराबर है, छ दो से बड़ा है, छ तीन से बड़ा है। दैट मीन्स एक्स सॉरी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। और अगर एक्स की कंपैरिजन करोगे, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड या इक्वल्स टू का केस क्या होता है। यहां पे जरा देखो, माइनस नाइन सेवन से ऑब्वियसली बात है छोटी ही होगी, नेगेटिव है तो छोटा ही होगा। एट सेवन से बड़ा हो जाएगा। जब भी ये ऑपोजिट साइन एक ही लाइन में आ जाए, मतलब एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन, हमेशा इसके बाद आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमेशा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बताओगे। ऐसे केसेस में आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक बार एक्स छोटा है एक बार एक्स बड़ा है, सीधी सी बात है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आई थिंक सो कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा सभी का कि कंपैरिजन कैसे करना है। तो अगर कंपैरिजन क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के कुछ फॉर्मेशन देखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पे शिफ्ट करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन के टाइप वन की बात करेंगे इसमें। टाइप वन क्या बता रहा है, देखो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन वन गिवन होगा। सेकंड इक्वेशन क्या बता रहा है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 26। अब अगर मैं एक क्लास पांचवी छठी या सातवीं के बच्चे को भी इक्वेशन दे दूं ना तो बना लेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा लेकिन बना जरूर लेगा। अब अगर बेसिक से बनाने जाओ, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक क्या बोलता है कि या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो। लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, या तो x बराबर या y बराबर। एक काम करते हैं, यहां पे x बराबर कर लेते हैं, इसको तीन से मल्टीप्लाई और इसको कर देते, सॉरी इसको चार से मल्टीप्लाई और इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो जरा। 12x 12x x की काम खत्म ही हो जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, 16y इक्वल्स टू 23 का 4 गुना 92, और यहां पे बचेगा 9y इक्वल्स टू 26 का 3 गुना 78। हाँ या ना? क्यों? ये तो सर 4 का 3 गुना 12x, ये 3 का 4 गुना 12x, दोनों माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू आपका नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपने माइनस करके साइन चेंज किया। यहां से क्या बचेगा, देखो 16 माइनस का 9y 7y, 78 प्लस का कितना 14 ऐड कर दोगे, ये 14 मिल जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर y का वैल्यू 2 है तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डाल दे 4 का 2 गुना 8, 23 में ऐसे 8 गया 15, x 3x के बराबर 15 है तो x के बराबर 5। मतलब क्या, यहां पे इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है कि x ग्रेटर देन है y से। अब एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? अगर मैं बेसिक से बनाने जाऊं, कितना भी फास्ट करूंगा, 35 सेकंड 40 सेकंड 45 सेकंड लेके चला जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते हो। थोड़ा सा माइंड गेम करना है बस, कुछ ज्यादा नहीं। क्या करना है देखो, सर एक बार जरा नोटिस करना, जो यहां पे x का फैक्टर है क्या वो यहां पे y का फैक्टर दिख रहा है, या फिर जो यहां पे y का फैक्टर है क्या यहां पे x का फैक्टर दिख रहा है। तो जब लीनियर इक्वेशन में आपके इस तरीके के क्वेश्चन बने, जो x का फैक्टर वो यहां पे y का फैक्टर, जो फर्स्ट इक्वेशन में y का फैक्टर वो सेकंड इक्वेशन में x का फैक्टर, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। कर देंगे माइनस, ऑब्वियसली बात है माइनस करने के बाद साइन चेंज होता है, ये भी घटा दो, ठीक है, कर दो माइनस। क्या वैल्यू आएगी, 3x माइनस का 4x कितना बचेगा, माइनस का x, 4y माइनस का 3y क्या बचेगा, प्लस का y, 23 और 26 क्या बचेगा, माइनस का 3, तीन ही बचेगा ना, माइनस का 3। अब देख लो जो नेगेटिव का फैक्टर है, समझ रहे बात को, जो जिसका साइन कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ मैच करेगा वो वैल्यू ग्रेटर देन, जिसका साइन कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ मैच करेगा वो वैल्यू ग्रेटर देन। दैट मींस देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म का साइन क्या, नेगेटिव, एक्स का साइन क्या, नेगेटिव। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स ग्रेटर देन वाई। बस इतना ध्यान रखना कि जिसका साइन कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ मैच किया वो वैल्यू ग्रेटर देन।
एक एग्जाम्पल दिखाता है इसके लिए, एक और एग्जाम्पल देख लो। देखो जरा, क्या सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको? 2x plus 5y equals to 23.5, 5x plus 2y equals to 22। जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखोगे पहला काम क्या करना और लास्ट काम करना है कि दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, साइन चेंज। कैलकुलेट करो जरा, 2x माइनस का 5x क्या बच के जाएगा? माइनस का 3x। 5y माइनस का 2y क्या बचेगा? प्लस का 3y। इधर क्या बचेगा? 23.5 में से अगर 22 माइनस कर दोगे तो 1.5 प्लस का। अब क्या करना है, जिसका साइन कॉन्स्टेंट टर्म के साइन के साथ मैच करेगा वो टर्म ग्रेटर देन होगा। देखो यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव, x पॉजिटिव है या y पॉजिटिव है? आपने बोला y पॉजिटिव, तो जिसका साइन कॉन्स्टेंट टर्म के साइन के साथ मैच किया वो ग्रेटर होगा, तो यहां पे y ग्रेटर देन x होगा। क्यों? क्योंकि y का टर्म इसके साइन से मिल रहा है। क्लियर है? होप सो ये वाला पैटर्न सभी के सभी को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, टाइप टू पे, देखते हैं टाइप टू के क्वेश्चंस क्या है। देखो ये आपका टाइप टू का पैटर्न है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3x plus 7y equals to 2। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 4x plus 21y plus equals to 6। अब इसमें तो आप बोलोगे ना, तो x का फैक्टर यहां पे मिल रहा है ना यहां पे y, और y का फैक्टर मिल रहा है, क्या तरीका है? बेसिक तो आपको पता है कि क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, तो ये 9 में से 4 गया 15, 9 में से 4 गया 5, और ये कितना 6 हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, बना लेंगे इस तरीके से। मैं आपको क्या बोलूंगा, बेसिक पे मत जाओ, बेसिक आपको आता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? एक बार जब लीनियर इक्वेशन आए ना, तो एक चीज देखना कि कांस्टेंट टर्म का आपका रेशियो क्या है। मैं अगर यहां पे कांस्टेंट टर्म का रेशियो देखूं तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 1:3 में चल रहा है, 1:3, 2:1, 2:2, 3:6। एक बार ढूंढो कि क्या कोई ऐसा वेरिएबल टर्म है जिसका रेशियो 1:3 है। मैंने देखा 7 और 21 1:3 में बिल्कुल है, वाई का टर्म 0 है। तो जिसका टर्म उसके रेशियो से मिलता हो, कांस्टेंट के रेशियो से, जिस भी वेरिएबल का कांस्टेंट के रेशियो के साथ रेशियो मैच करता हो उसके ऑपोजिट वाले को 0 बना दो। मतलब क्या, यहां पे अगर y का मैच कर रहा है तो x इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 0 कर दूं तो वैल्यू कितना, 7y इक्वल टू 2, तो y के बराबर क्या मिल जाएगा, 2/7। क्लियर? y की वैल्यू 2/7, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। अब ये क्यों हुआ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे आपने x को 0 कर दिया। देखो सर, अगर यही चीज आप बेसिक से बना रहे होते तो आपको क्या करना था कि ये बराबर करते y, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 9x प्लस 21y इक्वल्स टू 6, इधर तो 6 ही है, 4x प्लस 21y इक्वल्स टू 6। करो जरा माइनस, कैंसल ही हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 5x के बराबर 0 ही आ जाएगा। तो क्या वैल्यू, x की वैल्यू 0 ही आई ना, एट द एंड x की वैल्यू 0 आ रही है। क्लियर? आई होप सो पैटर्न टू भी क्लियर हो गया होगा। चल बढ़ते नेक्स्ट पैटर्न पे, टाइप तीन पे। टाइप तीन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर जो आजकल लीनियर इक्वेशन आपके एग्जाम में आ रहा है उसमें ज्यादातर पैटर्न इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, क्या करोगे? अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको कोई पैटर्न नहीं पता, तो व्हाट विल यू डू? या तो आप सॉल्व करने बैठोगे तो क्या करोगे, 3x plus 5 को 3x plus 5 से मल्टीप्लाई, 3x plus 4 से 3x plus 4 को मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, वहां से फैक्टर ढूंढोगे, फिर आप y का भी सेम पैटर्न पे करोगे, फिर आंसर कैलकुलेट करने बैठोगे। दैट मींस अगर इस प्रोसेस से आप जाओगे तो कम से कम 2 मिनट। लेकिन आप सर, आपने तो बताया कि 60 सेकंड में क्वेश्चन को करना है, दैट मींस क्या इस क्वेश्चन को स्किप करना है? बिल्कुल मत करना है स्किप, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन अभी आप उड़ा रहोगे 10-15 सेकंड में, बस 10 से 15 सेकंड लूंगा, करना कुछ नहीं है। इन दोनों का जैसे यहां पर देखो क्या दिख रहा है, 3x plus 4 upon 3x plus 5, मतलब ऑपोजिट हो गया ना, जो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, जो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, वैसे वर्षा ही तो है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि इन दोनों का सम करो 0 के बराबर। 3x plus 3x कितना,
6x, 4 प्लस 5 9, ये बराबर है 0 के, x के बराबर कितना मिल जाएगा आपको, माइनस 9 बाई 6, दैट इज माइनस का 2 बाई 3। सेम प्रोसेस y के साथ भी कर दो, इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का सम कितना 10y प्लस का 19, यहां पे कर लो 10y प्लस 19 इक्वल टू 0 है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1.9। चेक करो जरा ये वैल्यू कितनी है, 2 बाई 3 है, मतलब माइनस का 0.66 है। ऑब्वियस सी बात है 0.66 हमेशा बड़ा होगा माइनस का 1.9 से, तो x ग्रेटर देन y, क्लियर। तो ये थे पैटर्न लीनियर इक्वेशन के जो आपके एग्जाम में रैंडमली पूछे जाते हैं। बेसिकली इस वाले पैटर्न पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये वाले पैटर्न ज्यादा आपके पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन आएंगे, फिर से वही बताऊंगा, 5 से 10% चांसेस होते हैं लीनियर इक्वेशन में कभी भी आपका आंसर सी एन डी नहीं होगा। हाँ, एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है, कभी भी आंसर सी एन डी नहीं होगा। क्या एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है, सोचो एक बार, अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा तो ये वैल्यू जीरो कैसे होगा, अगर x और y बराबर होगा तो x और y को ऐड करके जीरो कैसे होगा, लीनियर इक्वेशन में तो जीरो आता है, समझ में आ रहा है बात, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये बनता है ना आपका इक्वेशन। तो अगर अगर मैं x को भी 5 कर दूं, y को भी 5 कर दूं, जीरो नहीं बनेगा। अगर मैं x को भी माइनस 5 कर दूं, y को भी माइनस 5 कर दूं, तो भी जीरो नहीं बनेगा। जीरो कब बनेगा, जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, x की वैल्यू अगर मैं माइनस 5 करूं और x को 5 करूं, तब जाके जीरो बनेगा ना। तो दैट मीन्स ये आंसर कभी नहीं आएगा, ये आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स के एक ही आंसर बनेगा, ये आंसर कभी नहीं आएगा लीनियर इक्वेशन में। या तो एक्स ग्रेटर देन वाई बनेगा या एक्स लेस देन वाई बनेगा, ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ना तो लेस देन इक्वल टू, और ना तो सी एन डी और एक्स इक्वल टू वाई बनेगा। ये बात ध्यान में रख लेना, ये तीन ऑप्शन कभी गलती से भी टेक मत करना। अगर किसी क्वेश्चन में तुक्के भी लगा रहे हो तो इन्हीं दोनों में से लगाने बैठना, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पैटर्न सारे बता रखा हूं मैंने आपको। तो आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है साइन मेथड। अब आप पूछोगे साइन मेथड क्या होता है, साइन मेथड एक ऐसा पैटर्न है कि अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा ना तो आप खुश हो जाओगे, मतलब 5 सेकंड बहुत ज्यादा है, 2-3 क्वेश्चन को देखने के बाद जितना टाइम आपको ऑप्शन ढूंढने में लगेगा इतना ही टाइम लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो जरा क्या बताता है, यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज साइन लिख रखी है, आप पूछोगे क्या है, एक्स में नेगेटिव पॉजिटिव, वाई में पॉजिटिव पॉजिटिव, जब कहीं आपको देखने को मिले आपका आंसर हमेशा ही x ग्रेटर देन y बनेगा। अगर इसका ठीक उल्टा, देखो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव 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 था, मतलब अगर x में पॉजिटिव पॉजिटिव, y में नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर भी ठीक उल्टा, x लेस देन y। अगर दोनों कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, आंसर सी एन डी। इसको याद कैसे रखे, देखो x ने बोला क्या, मैं नेगेटिव लूंगा पहले फिर पॉजिटिव लूंगा, y को दोनों पॉजिटिव दूंगा, गलत, x बड़ा हो जाएगा। एक्स अब वाई ने क्या बोला, नहीं नहीं मैं दोनों पॉजिटिव नहीं लूंगा, वाई एक्स तुम दोनों पॉजिटिव ले लो, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव लेगा, आंसर एक्स लेस देन वाई। अब भैया झगड़ा हो गया, बीच में वो आता ना बंदर तराजू वाला, पढ़ा होगा बचपन में हमने गेम, कि रोटियां दो बंदर लड़ रहे होते हैं, वही हुआ, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म आया, ना तुम नेगेटिव लोगे ना तुम नेगेटिव लोगे, नेगेटिव दोनों मैं लूंगा, दोनों का कर्जा उठाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं लूंगा, ना तुम भरे ना तुम भरे, कोई भरा नहीं, आंसर ही नहीं पता चलेगा कि बड़ा कौन होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आपके मन में आ रहा होगा ये नेगेटिव पॉजिटिव 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 कैसे चेक करें, देखो जरा इसी क्वेश्चन दिख रहा है एक आपको, 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 28 इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर माइनस का 29y प्लस 180 इक्वल टू 0। इसमें चार साइन टोटल दिख रहे होंगे, एक्स में पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स में पॉजिटिव पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव पॉजिटिव। सर इतना अगर मिल गया ना, आंसर x लेस देन y टिक करके आना है, वैल्यू कितनी बड़ी हो, वैल्यू रूट में हो, वैल्यू डेसिमल में हो, कुछ में भी हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, आंसर x लेस देन y ही आएगा। फॉर अ चेंज एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहते हो, देखो 28 का 3 गुना, अभी बताते हैं क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट डिवीजन होगा, उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए भी ये समझो, अगर जस्ट कुछ मत करो, इसमें एक साइन चेंज कर दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देखो जरा मैंने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किया मल्टीप्लाई करके, सर यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर हमेशा एक्स ग्रेटर देन वाई बनेगा। और अगर गलती से ये दोनों टर्म नेगेटिव आ जाए ना, यहां पे नेगेटिव और यहां पे नेगेटिव देखने को मिल जाए ना,
कुछ भी मत करना, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फाइंड करो, टिक करो, आंख बंद करके आगे निकल जाओ, ठीक है। चलो इस सेशन में बने जरूर रहिएगा, मैं आपको एट द एंड ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम आपको एक एग्जाम में देना है, या फिर आप मॉक लगा रहे हो, या फिर आप मेरी टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको किन से किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपके साथ कवर कर रहे होंगे। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इक्वल टू 0। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का, इसमें मैं आपको सारी की सारी अप्रोचेस सिखाऊंगा, आप एक बेसिक से कैसे बनेगा, या फिर अगर आप एक डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बनेगा। फिर से वही बात, अगर 7वीं 8वीं या 9वीं के बच्चे को दे दिया जाए, बना जरूर लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, लेकिन बना के जरूर बैठ जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है और ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 24 एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना, 1। यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, कितना होगा, 24। मतलब मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए, ऐड करके माइनस का 10 चाहिए, ये जो वैल्यू होगी ना वही आपको ऐड या माइनस करना होगा। ऐड करके कितना चाहिए, माइनस का 10। कैसे, अब जैसे ही दिमाग में आया कि ऐड करके माइनस का 10 है और मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप इसको अगर मैं ब्रेक करूं, आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, यही तो करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू, सॉरी प्लस 24 इक्वल टू 0। बचपन में ऐसे ही सीखा हमने, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, आपने देखा x कॉमन आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस का 4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, आपने बोला माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस का 4 बचेगा, हाँ जी ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्स माइनस 6 यहां से एक आपका फैक्टर बना, एक फैक्टर बना एक्स माइनस 4। यहां से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर तू, इस टर्म को 0 के साथ कंपेयर। अगर मैं एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख दूं तो एक्स के बराबर कितना, 6। एक्स माइनस 4 के बराबर 0 रख दूं तो एक्स के बराबर कितना, 4। तो यहां से बेसिकली मुझे एक्स का फैक्टर क्या बना, 6 और 4 ही बना ना, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना तो करना नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, अगर इतना नहीं करना तो कैसे करना है? देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि मल्टीप्लाई करके प्लस का 24 चाहिए, ऐड करके माइनस का 10 चाहिए, तो 6 और 4 मतलब नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 4, ठीक है। तभी देखो ऐड करूंगा तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 6 को माइनस 4 के साथ तो प्लस का 24 देके जाएगा। अब आपको पता है ना कि 0 के साथ तो कंपेयर करना होता है ना, तो जो भी आपका साइन आएगा ना उसका ठीक उल्टा कर दो, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव है दोनों को पॉजिटिव बना दो। अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड भी करना होता है, क्या यहां पे एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशियंट है, नहीं है, मतलब 1 से डिवाइड करना है। अगर 6 और 4 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6 और 4 ही, ठीक है। यहां पर देख लो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 48, ऐड करके कितना चाहिए, माइनस का 14। दो ऐसे फैक्टर बता दो, 6 और 8 14, 6 का 8 गुना 48, तो आपने बोला माइनस का 6 और माइनस का 8, क्यों, क्योंकि माइनस 6 और माइनस 8 मुझे माइनस 14 देके जाएगा, माइनस 6 को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 48 देके जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों को दोनों पॉजिटिव होंगे। अगेन y का कोई कॉफिशियंट नहीं है, अगर y का कोई कॉफिशियंट नहीं है तो मतलब 1 है ना, सॉरी 1 कॉफिशियंट है, 1 से डिवाइड भी करूंगा तो 1 ही बनेगा, मतलब x के फैक्टर है प्लस का 6 प्लस का 4, y के फैक्टर है प्लस का 6 प्लस का 8। कंपैरिजन कर दो जरा, 6 को 6 से पहले कंपेयर करना है, 6 को 6 से करेंगे बराबर है, 6 को 8 से किया 6 छोटा है, 4 को 6 से किया 4 छोटा है, 4 को 8 से किया 4 छोटा है, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, x लेस देन इक्वल्स टू y, तो x लेस देन इक्वल्स टू y आपका सही आंसर होगा। तो वही चीज है, आप बेसिक से कर रहे हो या डायरेक्ट आप इन दोनों को फाइंड कर रहे हो, डिपेंड करता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं आप 500 क्वेश्चन लगा दो, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो इस वीडियो के थ्रू, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद 500 क्वेश्चन लगा दो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद 500 क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटा लगेगा। एक दिन में मत करो, डिवाइड कर लो। टू डू लिस्ट 60 दिन का है ना, जो आपको YouTube पे टू डू लिस्ट मिल रहा है वो 60 दिन का है ना। अगर 60 दिन के हिसाब से अगर देखूं, डेली का 10 भी करूंगा तो 600 बना के जाऊंगा, 500 नहीं 600।
और पहले 10 दिन 15 दिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जब 1 मिनट में 5 क्वेश्चन होने लगेंगे ना, तो दिन में बैठ के बना दोगे 500 क्वेश्चन। अगर किसी दिन टारगेट कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक दिन में बैठ के 500 क्वेश्चन बना दोगे और बोरिंग भी नहीं लगेगा। क्यों? और ज्यादा से ज्यादा क्या, एक पेज आपका जाएगा, एक पेज में पूरी की पूरी सॉल्यूशन, क्योंकि आपको सिर्फ डेटा लिखना है, आंसर टिक करना है, डेटा लिखना है, आंसर टिक करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख ले। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 6x² - 7x + 2 = 0, 12y² - 7x + 1 = 0। इस बार तो आ गया कोफिशियंट, मतलब क्या, इसके कोफिशियंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना वैल्यू 12, मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और ऐड करके माइनस का 7 चाहिए, मतलब फिर से वही बात आ गई ना सर कि माइनस का 4 और माइनस का 3 चाहिए ही चाहिए। यहां पे अगर मैं देख लूं मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 ऐड करके माइनस का 7, सर ये भी तो सेम ही है, -4 - 3, दोनों में देखो साइन तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनाना होगा, बना दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करो, यहां से 12 पे मल्टीप्लाई करो। लेकिन रुक जाओ, एक बार देखो ये किसी रेशियो में दिख रहा है, अगर आपको ये रेशियो में दिखे तो आप काट लो, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं या 12 से करूं, उतना ही आंसर आएगा जितना रेशियो में बाइफरकेट करने के बाद आएगा। दिख रहा है 6 1 = 6, 6 2 = 12। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। देखो पहले आप, मैंने क्या किया, इसको 1 से डिवाइड किया, 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप डिवाइड करूं तो भी 1, 3 को भी 1 से करूं तो 1 भी बनेगा, 4/1, 3/1, इधर कितना था 2 था, 4/2, 3/2। एक बार जरा इसका आंसर देखो क्या आता है, 4/1 4 ही बनेगा, 3/1 3 ही बनेगा, 4/2 2 बनेगा, 3/2 1.5 बनेगा। कंपैरिजन कर लो, 4 2 से बड़ा, 4 1.5 से बड़ा, 3 2 से बड़ा, 3 1.5 से बड़ा, आंसर x ग्रेटर देन y आ रहा था। एक बार मैं क्या करूंगा, 6 और 12 ही लूंगा, यहां पे क्या कहता, 4/6, यहां पे क्या होता, 3/6, यहां पे कितना था, 4/12, यहां पे कितना था, 3/12, ये वैल्यू कितना दिख रहा है, 2/3, ये 1/2, ये 1/3, ये 1/4। फ्रैक्शन में क्या ही पता चलता है, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.66, 1/2 0.5, 1/3 का 0.33, 1/4 का 0.25। एक बार चेक करो जरा, 0.66 दोनों से बड़ा, इससे भी बड़ा है, ठीक है, 0.66 0.25 से बड़ा, 0.5 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, क्या आंसर आपका सेम आ रहा है जो यहां पे आ रहा, तो दोनों आंसर सेम है। तो अगर ये वैल्यू अगर आपको कहीं पे भी रेशियो में कटती हुई दिखे ना, आंख बंद करके काट लो, क्योंकि 6 और 12 से डिवाइड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, रैदर देन कि आप 1 और 2 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो जब भी आपको डिविजन में दिखे हटा दिया करो, छोटी छोटी वैल्यू जितनी पिक करते हुए चलोगे आंसर बनेगा। अब यहां पे कुछ बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा, ये तो सारी की सारी छोटी वैल्यू बता दी जो ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ बड़े नंबर बनाओ, फिर समझ में आए कि क्या ही है ना। आ रहा है आपके मन में, मेरे मन में भी आता था जब मेरे को एजुकेटर पढ़ा रहे होते थे, तो कि ये क्या, ये तो सर बच्चों वाला सवाल है, आप कुछ बड़ा नंबर करके बताओ, करके बताते हैं, आप भी देखो। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है क्या है कि 32x² + 52x + 15 = 0, 8y² + 38y + 35 = 0। थोड़े से बड़े नंबर है, ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा बड़े भी करेंगे, ये थोड़े से बड़े नंबर है। इस अब देखो इसको करने का एक तरीका क्या होता है कि प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, ये मुझे भी बताया गया था जब मैं पढ़ रहा था ना, तब मुझे भी बताया गया था कि इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोलते हैं प्राइम नंबर मेथड, देखो आप कॉन्स्टेंट टर्म को या फिर एक्स स्क्वायर के फैक्टर को ऐसे टर्म में बाइफरकेट करो कि आपका प्राइम नंबर बने। देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है कि 32 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू आएगा वो 32 को उसका सम 52 आना चाहिए, ठीक है। मैं 15 को 5 और 3 में बाइफरकेट कर सकता हूं कि हाँ या ना, कर सकता हूं, और 32 को 8 और 4 में कर सकता हूं। आपने क्या देखा कि यहां पे दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ रहे हैं ना। अब मुझे इन 4 नंबर की वैल्यू से 52 तक पहुंचना है कैसे भी करके, आप 8, 4, 5 और 3 का सम करके कैसे भी करके अगर 52 बना दोगे ना, तो मल्टीप्लाई सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो जरा, 8 का 5 गुना कर दूं 40, 4 का 3 गुना कर दूं 12, फैक्टर क्या है, +40 + 12, इतना ही काम करना था। 32 को 15 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज यहीं पे कर लिया, 8 का 5 गुना 4 का 3 गुना, एज सेम करो,
इसका बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से करो कि प्राइम नंबर मिल जाए, या तो इसका कर लो। मैंने देखा इसका करना आसान है, कैसे, सात और पांच, यहां पे दो दो दो, तीन के तीन प्राइम नंबर है, पांच के पांच प्राइम नंबर, मतलब एक दो तीन चार पांच, सारे के सारे प्राइम नंबर मिल गए आपको। कैसे करोगे, देखो दो दूनी चार, चार का सात गुना अट्ठाईस, पांच का दो गुना दस, मतलब अट्ठाईस और दस अड़तीस होता है ना, अट्ठाईस और दस को मल्टीप्लाई करोगे इतना 280, क्या 35 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 बनेगा, 35 का 2 गुना 170, 170 का 4 गुना 280, सॉरी 35 का 2 गुना 70, 70 का 4 गुना 280, बराबर 2 का 4 गुना 8 कर दिया, तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गई, 28 और 10। देखो दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव बन गया, यहां पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सर डिवाइड बचा हुआ है याद है, यहां पे 8y, यहां पे 32, आपको फिर से आपको दिख रहा है ना कि रेशियो में 4:1, मतलब ये वैल्यू तो इतना ही रहेगा, इसको सिर्फ आपको 4 से डिवाइड करना है, कर दो, ये वैल्यू माइनस का 10, ये वैल्यू माइनस का 3, अब करना है कंपेयर, माइनस का 10 माइनस 28 से बड़ा होगा, माइनस का 10 माइनस 10 के बराबर होगा, माइनस का 3 माइनस 28 से बड़ा होगा, माइनस का 3 माइनस 10 से बड़ा होगा, दैट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ये था आपका प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन, कि अगर बड़ी वैल्यूज है तो आप प्राइम नंबर से भी बाइफरकेट करके बना सकते हो, इज इट क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस का 47x प्लस 184 इक्वल्स टू 0, बड़े नंबर 184 को 3 से गुना करना है, 3y स्क्वायर माइनस 38y प्लस 119 मतलब 119 को 3 से गुणा करना है, 357 उसके बाद आपको फैक्टर ढूंढने मत करना, 184 का कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन ढूंढो, 184 का था 92, क्या 23 का 4 गुना 92 होता है, हाँ जी होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि 23 का 8 गुना ये है, करेक्ट, 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, क्या अगर 3 का 8 गुना 24 और 23 को शामिल कर दूं तो 47, बिल्कुल सही है, मतलब माइनस का 24 और माइनस का 23 दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव, फैक्टर कितने जल्दी मिल रहे हैं वो ध्यान से देखो, 119 है, बाइफरकेट कर सकते हैं किसी प्राइम नंबर है, बिल्कुल हो सकता है, 17 जा पहुंचना कहां तक है, यहां तक, 7 का 3 गुना 21 प्लस का 17 मतलब माइनस 21 और माइनस 17 आपका फैक्टर है, दोनों के दोनों साइन नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे भी 3 यहां पे भी 3, अगर रेशियो देखूंगा तो 1:1 मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 24 21 से बड़ा है, 24 17 से बड़ा है, 23 21 से बड़ा है, 23 17 से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा आपको, करना पड़ रहा है आपको भी दिख रहा है, तो अगर एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, इतने ही प्यार से, इतने ही आराम से, इतने ही सलीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और एक्यूरेसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 100% होती है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको किसी भी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। अब इस पैटर्न को देखो, इसमें आपको प्राइम नंबर नहीं करना है, इसमें आपको ना यूनिट मेथड से बनाना है, यूनिट डिजिट से कैसे फैक्टर फाइंड होता है वो भी ध्यान से देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 667 इक्वल टू 0, चलो 667 एक बड़ा नंबर है, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 33 इक्वल टू 0, ये तो बड़े प्यार से बना लोगे, माइनस का 33 प्लस का 8, आपने बोला माइनस 11 प्लस 3, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सर ये कैसे बनेगा, ये तो दिक्कत आ गई, देखो जरा जब मल्टीप्लाई करना होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए 7, जब ऐड करना होगा तो यूनिट डिजिट पे कितना चाहिए 2, जरा मुझे 1 to 9 में दो ऐसे नंबर बता दो कि मल्टीप्ल डिजिट बता दो जिसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट पे 7 और ऐड करने पर 2 आना चाहिए, क्या 3 और 9 दिख रहे हैं आपके दिमाग में, 3 9s are 27 यूनिट प्लेस पे 7, 3 plus 9 12 यूनिट प्लेस पे 2, मुझे नहीं पता फैक्टर क्या बनेगा, लेकिन जो भी मेरा फैक्टर बनेगा उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा ही 3 और 9 ही आएगा, अब यहां पे क्या वैल्यू डालूं कि 52 बन जाए आप पे डिपेंड करता है, क्या अगर मैं 39 और 13 रख दूं, या फिर सबसे छोटा नंबर की 49 और 3 52, 49 का 3 गुना 667 कभी नहीं बनेगा, 39 और 13 नहीं बनेगा 400 क्योंकि 40 गुना 520 होगा, अगर मैं यहाँ पे 29 और यहाँ पे 23 रख दूँ तो 23 का 30 गुना 690 में से 23 माइनस कर दो 667
करेक्ट, यूनिट डिजिट से फिगर आउट हो गया, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव भी हो जाएंगे। 23 11 से बड़ा है, 23 माइनस 3 से बड़ा है, 29 दोनों से बड़ा है, आंसर विल बी एक्स ग्रेटर देन वाई। कितने लोगों को यह बात समझ में आएगी? यूनिट मेथड बहुत ही अमेजिंग है मेथड, एक बार बस फिगर आउट करना होता है चीजों को, एक बार हो गया दैट्स इट, क्लियर है। एक एग्जांपल और समझते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन फिर से आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 53x प्लस 702 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 104 इक्वल टू 0। ये वैल्यू फिर से मिल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको क्या मेथड चाहिए, यूनिट वाला मेथड। मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पर 4 और ऐड करके 0, ऐसे दो नंबर क्या है 6 और 4, 6 का 4 गुना 24, 6 प्लस 4 करूंगा तो 10। सर यहां पे अगर एक यूनिट डिजिट देखो वाई का, तो 6 तो बनेगा ही बनेगा और 4 यूनिट डिजिट पे आएगा। अब मुझे ऐड करके 30 बनाना है, तो 6 के आगे क्या लगा दूं, 4 के आगे क्या लगा दूं? अगर मैं 6 के आगे 2 लगा दूं और 4 के आगे 0 लगा दूं, 26 और 4 दो ऐसे फैक्टर हैं क्या? हैं, दोनों नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट साइन चेंज होकर 26 और 4 पॉजिटिव बनेगा, इधर प्रॉब्लम आ गई। मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड करके 3, 7 और 6 दिख रहे हैं आपको, 7 का 6 गुना 42, 2, 7 प्लस 6 13, मतलब प्राइम नंबर जो भी नंबर बनेगा उसके यूनिट डिजिट पे 7 और 6 ही बनेगा, 53 है। 25 का स्क्वायर करूंगा 625, नियर अबाउट 625 से ज्यादा है, 27 26 करके चेक करो, 26 का 26 गुना 676, 676 में एक बार 26 ऐड करूंगा 702, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों यहां पे भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, कंपेयर करना है, 27 26 से बड़ी वैल्यू है, 27 4 से बड़ा है, 26 26 से बराबर है, 26 4 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आंसर। क्या ये यूनिट डिजिट वाला समझ में आ गया? अगर यूनिट डिजिट वाला आ गया तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। दैट देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताते जाते जा रहा हूं, आपको इसी पैटर्न को प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स मैजिक, यहां पे अगर आपको क्वांट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का अगर आपको चाहिए पीडीएफ, आप मुझे जस्ट एक बार मैसेज डाल दो वहां पे ग्रुप पे जाके कि सर मुझे इस टॉपिक का चाहिए, एज सून एज आई रीड द कमेंट आई विल सेंड द पीडीएफ। भले ही वो एक घंटा दो घंटा लेट जरूर हो जाएगा, बट आपको पहुंच मिल जरूर जाएगा, एट द ऑन सेम डे मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं कि 10 दिन बाद मिलेगा। आपने आज मैसेज किया, विद इन 24 आवर्स आपको वो पीडीएफ पिन करके दे दिया जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम सभी के सभी जरूर ज्वाइन कर ले, मैथ्स मैजिक, सी यू देयर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न की तरफ, दैट इज रूट वाले क्वेश्चन। अब बच्चे इसमें बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि रूट वाला क्वेश्चन है, दिक्कत करेगा, जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि रूट में वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेसिमल में जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, गलतफहमी है, कुछ नहीं होगा। रूट वाले क्वेश्चन जब भी आए ना, खुश हो जाना, क्योंकि एग्जामिनर आप पे मेहरबान है, तभी रूट वाले क्वेश्चन दिए। जिस पे मेहरबान नहीं होता ना, उस पे रूट वाले क्वेश्चन नहीं देता। देखो पैटर्न, अभी आपके सामने रूट वाले दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे। एक जो रूट के पैटर्न आते हैं ना, वो दो पैटर्न पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस रूट 3 वाई प्लस 18 इक्वल टू 0। दिखने में लग रहा है छोटा क्वेश्चन है, बन जाएगा, तरीका आना चाहिए, बन जाएगा। आपने जैसे ही सेकेंड वाला क्वेश्चन देखा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 5 रूट 5x प्लस 10 रूट 15 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5 रूट 5y माइनस 2 रूट 3y प्लस 10 रूट 15 इक्वल टू 0। देखा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 90% बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। इस वाले पार्ट क्वेश्चन की बात करो, 90% बच्चे स्किप करके आएंगे, कितने भी महारत होंगे वो भी, 10% उसको बना के आएंगे। और ये 10% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये ऐसे नहीं है जिन्होंने तुक्के से सीखा क्वेश्चन, ये वैसे बच्चे हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तभी जाके ये क्वेश्चन बना पाएंगे। और आप ये भी बोलोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, 10 सेकेंड बताओ, मैंने बोला 10 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड तो लगेगा। अब आप डिपेंड करो कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना, ये आपकी मर्जी है, बताना मेरा काम है, मैं बताता हूँ 10 सेकेंड में बनेगा। पहले इसी क्वेश्चन को पिक कर लें क्या? पहला क्वेश्चन ये देखो, जब भी 1 2 3 4 1 2 3 4, दिख गया, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x
प्लस 18 इक्वल टू जीरो, क्या मेरा फैक्टर माइनस सिक्स और माइनस थ्री होता था? इसका फैक्टर ढूंढो जरा, माइनस सिक्स और माइनस थ्री, साइन चेंज करके प्लस का छह प्लस का तीन बनेगा। तो एक दो तीन, तीन डिजिट में क्वेश्चन होते हैं, चार डिजिट में एक डिजिट एक स्टेप आगे करके आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये तो तीन का था, जब चार बता दिया गया तो एक स्टेप आगे चला गया क्वेश्चन, सीधा फैक्टर दिख रहा है। क्या टू रूट थ्री, क्या फैक्टर है फाइव रूट फाइव, यहां से क्या मिल जाएगा माइनस का फाइव रूट फाइव, यहां पर क्या मिल जाएगा माइनस का टू रूट थ्री। अब मुझे बता दो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? ऊपर दोनों पॉजिटिव नीचे दोनों नेगेटिव, हमेशा ही ये पॉजिटिव वाला भरा होगा, ठीक है सर? अगर उल्टा हो जाता तो, अगर एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव होता कैसे कंपेयर करते? अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, यहां पे तो डायरेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया ना, आपने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया। अगर ये चीजें ना होती तो, अगर सारे के सारे पॉजिटिव होते तो, सारे के सारे नेगेटिव होते तो, रूट वाले क्वेश्चन में सबका स्क्वायर कर दो साइन को छोड़ के, स्क्वायर सबका करना है साइन को छोड़ के। दो रूट तीन का स्क्वायर, दो दुनी चार तिया बारह, पांच रूट पांच का स्क्वायर, पच्चीस का पांच गुना एक सौ पच्चीस, इसका स्क्वायर करोगे तो पच्चीस और पांच गुना माइनस का एक सौ पच्चीस। ध्यान रखना साइन का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ इस नंबर का स्क्वायर करना होता है। यहां पर दो दुनी चार तिया बारह, माइनस का जरा चेक करो, बारह दोनों से बड़ा होगा, एक सौ पच्चीस दोनों से बड़ा होगा, x greater than y is the right answer। क्या बातें क्लियर है? इसका और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बट पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल, इसका भी एक और इसका भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। सेकेंड पैटर्न वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि रूट के अंदर दोनों में कुछ वैल्यू डाल देगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो इस रूट के अंदर वैल्यू है ना उससे आप कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म को डिवाइड करो। तीन है डिवाइड कर दिया तीन, तीन है डिवाइड कर दिया छः, मतलब अब यहां पे बचा माइनस का वन, यहां पे बचा माइनस का फोर। तो अब आपको कुछ ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करके प्लस का थ्री दिखे और ऐड करके माइनस का फोर दिखे। फिलहाल के लिए मैंने रूट को हटा दिया है, ठीक है? आप भी ऐसे ही हटा दोगे, इसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट इग्नोर कर दिया, इसको यूज करेंगे। कैसे देखो, मल्टीप्लाई करके तीन और ऐड करके माइनस का चार, आपने क्या बोला माइनस वन माइनस थ्री, साइन चेंज है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बना दो। इधर मल्टीप्लाई करके छह चाहिए और ऐड करके माइनस का तीन, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करके माइनस का तीन छह चाहिए और ऐड करके माइनस का वन चाहिए, आपने क्या बोला माइनस थ्री प्लस टू, मल्टीप्लाई करो माइनस का सिक्स देके जाएगा, प्लस करो माइनस का वन देके जाएगा, साइन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो वैल्यू आपने रूट में यहां पे दी थी हटाई थी ना, सबके आगे लगा दो, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, ठीक है? अब आप इसका स्क्वायर कर लो, या डर देखो, मुझे पता है कि वन रूट थ्री हमेशा थ्री रूट थ्री से छोटा होगा, वन रूट थ्री इससे बड़ा होगा, इसके आगे तो चेक भी नहीं करना था, छोटा बड़ा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कभी भी दो उल्टे साइन आ जाएंगे, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर दो भाइयों की अगर आप कंसेप्शन देखोगे उल्टे हैं, झगड़ा होना तय है, सेम चीज है, ऑपोजिट ऑपोजिट, भैया आंसर ही नहीं पता बता पाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन अगर दोनों में सेम वैल्यू हो ना, यहां पर क्या दिख रहा है रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, अगर दोनों में रूट के अंदर सेम वैल्यू, तो आप अगर यहां पर नहीं भी डालोगे तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे फिलहाल के लिए कितना था वन थ्री थ्री माइनस टू, जरा चेक करो, वन थ्री से छोटा, वन माइनस टू से बड़ा, काम गड़बड़, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इज इट क्लियर? चलो इसके कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन रूट टू एक्स प्लस सिक्सटी इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर प्लस थ्री रूट फाइव वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। आपको मैंने क्या बताया, रूट के अंदर अंदर तीन वैल्यू में रूट के अंदर है, तो जो रूट के अंदर उससे कॉन्स्टेंट टर्म को डिवाइड करना है, दो से डिवाइड किया 30, पांच से डिवाइड किया 4, है ना? अब आपको ऐसे नंबर ढूंढने कि मल्टीप्लाई करके प्लस का 30 ऐड करके माइनस का 13, आपने क्या बोला माइनस 10 और माइनस 3, दोनों के दोनों नेगेटिव दोनों के दोनों पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 और ऐड करके प्लस का 3, आपने बोला माइनस का 4 प्लस का 1, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। क्या यहां पे रूट के अंदर सेम वैल्यू थी? नहीं, यहां पे रूट टू था और यहां पे रूट फाइव है, तो जिसके आगे टू था उसके आगे रूट टू लगा दो, जिसके आगे रूट थ्री था उसके आगे रूट थ्री लगा दो, ये वैल्यू रूट टू में था, ये रूट फाइव आएगा, ये रूट फाइव आएगा। सर वैसे तो कंपेयर करना आसान है, बट यहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, तीन का रूट टू चार का रूट पांच, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके लिए कन्वीनियंट के लिए क्या करना है, सबका स्क्वायर एक्सेप्ट साइन,
दस रूट दो का स्क्वायर करोगे, 100 का 2 गुना 200, 3 × 3 = 9, 2 = 18, 4 × 4 = 16, 5 = 80। ये नेगेटिव वाली वैल्यू 5 में जाएगी। 280 से बड़ा है, 1880 से छोटा है। आंसर फिर से कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। आंसर फिर से आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। अब यहां पे थोड़ा सा अगर देखोगे ना तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। कैसे सर? ऑब्वियसली बात है ना कि 10√2 जो है बड़ा ही होगा इन दोनों से, ये वाला टर्म तो हमेशा बड़ा होगा, ये इससे बड़ा है, तो प्रॉब्लम तो इन दोनों में आ रही ना। अगर मैं यहां पे √4 बना दूं तो ये 2 बाहर निकलेगा, 4 × 2 = 8। यहां पे अगर मैं 2 भी बाहर कर देता, अगर मैं यहां पे 2 भी बाहर कर देता, 6 ही बनता ना, ये तो 8 है। समझ में आ रही है बातें? एक सेकेंड, 9 × 2 = 18, 16 × 5 = 80। तो ये तो छोटी हो जाती ना, जैसे ये छोटा, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, बट वही चीज है कि ये सब चीजें जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आने स्टार्ट होंगे। एक क्वेश्चन 4 वाला फिर से कर लेते हैं, जो आपको मैंने सबसे पहले पैटर्न में पता था, फिर आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² + √2 + 3√3x + 6√6। अगर इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये 2√2x है, ये 3√3x है ना, बात तो वही बराबर है, चार वैल्यू मिली गई ना, तो इसका सीधा सीधा ये क्या मेरा फैक्टर है, यहां से फैक्टर कितना मिल गया 2√2, एक फैक्टर कितना है 3√3। सर बाय डिफॉल्ट दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 56 चाहिए, ऐड करके 15, +7 + 8 दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2√2 - 7 से छोटी एक ही बड़ी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्क्वायर कर दो साइन को छोड़ के, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, माइनस का 8, 3 × 3 = 9 = 27, माइनस का 27, ये वैल्यू -7, ये वैल्यू -8, -8 - 7 से छोटी वैल्यू है, -8 - 8 बराबर है, -27 इन दोनों से छोटी है। आंसर विल बी आपका x < =y। तो होप सो आपके ये वाले पैटर्न भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं एक यूनिक सा पैटर्न पे जो कि स्क्वायर बेस्ड आता है, डायरेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड, कैसे स्क्वायर और रूट वाले क्वेश्चन एक ही में मर्ज होते हैं, उस पैटर्न पे चलते हैं, फिर कुछ और भी डिफिकल्ट पैटर्न पे भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² = 225, y की वैल्यू √225 है। दिखने में लग रहा है सर सिमिलर तो क्वेश्चन है, x = y हो जाएगा, नहीं, x² को स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, अगर मैं -x को मल्टीप्लाई करूं -x के साथ तो भी x² बनेगा, अगर मैं +x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी x² बनेगा। तो इसीलिए जब x² की वैल्यू 225 गिवन होगा तो इसका ओवररूट क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर होता है ना, तो जो आपकी वैल्यू बनेगी 15 वो पॉजिटिव में भी आएगा आंसर, माइनस का भी 15, क्यों, अगर मैं -15 को भी -15 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 225, अगर +15 को +15 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 225, जब दोनों ही केसेस में आंसर 225 ही आ रहा है तो इसके आंसर भी 2 बनेंगे, प्लस का भी 15 माइनस का भी 15। लेकिन इस वाले केस में आपको दिख रहा है वाई सिंगल है, रूट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो वाई अगर √225 है तो बाई डिफॉल्ट +15 बाहर निकलेगा। कंपेयर कैसे करना है दोनों में, +15 + 15 बराबर, -15 + 15 से छोटी वैल्यू है, आंसर विल बी x < =y। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, देखो जरा, x² = कितना है 289, वाई की वैल्यू कितनी है √289, बताइए जरा आंसर, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। x² की वैल्यू 289, मतलब 2 साइन आएगा, प्लस का भी 17 माइनस का भी 17, y के बराबर अगर 289 है अंडर रूट में एक ही बाहर आएगा 17, देखो 17 और 17 बराबर, -17 इससे छोटा, x < y, x < =y इज द राइट आंसर। होप सो ये वाला पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक पैटर्न करवाने वाला हूं जो कि 2020 में आपका पूछा गया था, दिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बट बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - 14 to the power 5/2 / √x = 0, y² - 11 to the power 5/2 / √y = 0। कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन लग रहा है ना सर, इतना डिफिकल्ट कहां से बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत। एक बात बताओ, क्या मैं √x को ऐसे लिख सकता हूं कि x की पावर 1/2 है, ये तो चीजें समझ में आती होंगी। अब अगर ये x की पावर 1/2 है तो कहीं ना कहीं अगर क्रॉस, जहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये x की पावर 1/2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। जरा x स्क्वायर
इंटू एक्स की पावर 1/2 करूंगा, तो आपको पता है ना कि जब बेस सेम पावर ऐड होता है, यहां पे क्या लिखोगे, एक्स 2+1/2। जरा आप 2+1/2 को इवेल्युएट करो, 2 × 2 = 5/2, एक्स की पावर 5/2 बनेगा और ये रूट एक्स इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो आपका वैल्यू यहां से क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5/2 माइनस 14 की पावर 5/2 इक्वल्स टू 0। तो अगर एक्स की पावर 5/2 है तो इधर क्या मिल जाएगा, 14 की पावर 5/2। देखो एक्स की पावर 5/2, 14 की पावर 5/2, बेस सेम पावर अलग कट कर दो, सॉरी बेस डिफरेंट पावर अलग कट, एक्स के बराबर कितना 14। तो अगर एक्स के बराबर 14 तो इसी तरीके से इसमें वाई की वैल्यू कितनी, रूट स्क्वायर है 1/2 है, 5/2 बनेगा, वाई इधर 11, तो वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 11, एक्स 14 वाई 11, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, इजीली बन सकता था। एक क्वेश्चन और भी था, वो थोड़ा सा इससे आसानी है, इससे आसान है, देख लो उसको। देखिए जरा अगला पैटर्न क्या बता रहा है, 4√x + 2√x = √x, 8√y + 6√y = √y। पहला काम क्या करोगे, इन दोनों में एलसीएम लोगे, रूट एक्स और रूट एक्स का एलसीएम रूट एक्स, तो इधर क्या बन जाएगा सर, 4+2 = √x = √x, तो x की वैल्यू कितनी 6, इधर रूट वाई का एलसीएम रूट वाई, इधर 8+6 = 14√y के बराबर कितना मिल गया, रूट वाई, तो y के बराबर कितना 14। x के बराबर अगर 6 है, y के बराबर 14 है, तो क्या आप नहीं बता सकते कि x जो है वो y से छोटी वैल्यू है, है ना, सिंपल। देखो इस पैटर्न में क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता तो बच्चों को लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये एक पैटर्न था, एक पैटर्न और है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जब यहां तक पहुंच ही गए तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा, y² - x² = 96, y - x = 8। सर ये तो एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, पहले एक बेसिक मेथड देखो, बिल्कुल बेसिक मेथड, ये a² - b² है, a² - b² क्या होता है, a+b × a - b, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि y + x × y - x = 96। y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स को y² - x² लिखोगे। अब जरा देखो कि y माइनस एक्स की वैल्यू यहां पे गिवन है, कितना है 8, तो अगर यहां से 8 से हटा दो तो 12, तो y माइनस एक्स आपका 8 है और y प्लस एक्स आपका 12 है, तो क्या यहां से वैल्यू कैलकुलेट किया सकते हैं, ऐड कर दो, 2y = 20, y = 10। अगर y 10 है और y माइनस एक्स 8 है तो x के बराबर 2, हाँ है ना। इस क्वेश्चन को आप इस पैटर्न से बनाने बैठोगे, कितना सेकंड, 30 सेकंड 35 सेकंड, इतना टाइम तो ले ही लोगे, 30-35 सेकंड तो ले जाओगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को आज के बाद देखना, टिक करना, कैसे, अगर ये पैटर्न में क्वेश्चन आपको गिवन हो ना, सिर्फ इतना, ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना है, ये वाला पार्ट मुझे देखना है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, जिसका साइन कांस्टेंट टर्म के साइन के साथ मैच करे वो वैल्यू ग्रेटर, पहले बता रखा है ना आपको लीनियर इक्वेशन में, y माइनस एक्स प्लस 8 क्या है, पॉजिटिव, y और x में क्या पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन है x, सिंपल सा आंसर है, इतना ही करना है, हो गया आंसर क्लियर, इतना ही आंसर आपका आएगा। मैंने आपको बेसिक से भी करके देखा तो भी y ग्रेटर देन x ही आ रहा था, डायरेक्ट किया तो भी y ग्रेटर देन x ही आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन बने, सिर्फ इतना देखना कि सेकंड वाला जो लीनियर वाला पार्ट होगा ना, उसमें कांस्टेंट टर्म का जो साइन वो जिस भी वेरिएबल के साइन के साथ मैच करेगा वो आपका आंसर देके जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के साथ सारा का सारा सेशन, जिसमें मैंने आपको बेसिक के साथ साथ कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, आपको सारी की सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कशन करी है। तो अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एक अच्छा खासा एफर्ट लगता है बनाने में वीडियो को आप लोगों के साथ, तो अगर आप शेयर कर दोगे तो मुझे एक अप्रिशिएशन की तरह लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें बच्चे पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं धीरे धीरे आपको इसी चैनल पे कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके अर्थमेटिक के सारे टॉपिक होंगे, नंबर सीरीज के टॉपिक होंगे, डीआई के कैसे
क्विकली सॉल्व करने, वो चीजें करूंगा डिस्कस आपके साथ। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, उन सारे शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसी चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आप बिल्कुल नए बिगनर हैं या फिर आप किसी भी स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर बेल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। टू डू लिस्ट आपके साथ डेली आ रहा है तो उसको जरूर फॉलो करें। एसबीआई क्लर्क के लिए आपका 60 दिनों का टू डू लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें डेली आपको अलग अलग एक टारगेट मिल रहा है कि डे वन डे टू डे थ्री में आपको ये क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। 2022 में एनी तरह आपके सिलेक्शन दिलवाना मेरा काम है, तो एक बार भरोसा मुझ पर भी करिए। सी यू देयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।